तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। हम रखेंगे अपना पक्ष, हम रख रहे आ गए हैं अपना पक्ष। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, नए जो व्यूअर्स हैं उनको भी, तो भाई सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सारे व्यूअर्स को। भाई अक्टूबर का टाइम आ गया है, अक्टूबर खत्म होने को आ गया है, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाला है, यानी भैया ईयर एंड का टाइम आ गया है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है नई गाड़ी की खोज में जाते हैं, तलाश में जाते हैं। डिस्काउंट मिलेगा 20 लाख रुपए, थोड़ा सा कम नहीं हो सकता है क्या? प्लीज देखिए। इन दिनों दोस्तों बहुत से लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं, सोचते हैं कि हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं भाई, कि कौन सी गाड़ी पे डिस्काउंट जो है सबसे ज्यादा मिलेगा, एंड कैसे जो है बेस्ट से बेस्ट डील जो है ग्रैब करी जाए इन दिनों। भैया बात ही है, फेस्टिव सीजन, कंपनियां मोटे मोटे ऑफर देने लगी हुई है। भैया कूड़े की तरह ना गाड़ियां रुल रही हैं इनके स्टॉक यार्ड में, ये आप देख सकते हो। पहले तो सीन देखो कि आपको जो लग रहा है, जो डीलर बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं कि भैया रेट बढ़ जाएंगे। सर अगर इस महीने आपने गाड़ी ना ली, जैसे आज 31 तारीख है, अगर गाड़ी अगर आज ही आपने डील नहीं ली ना, कल से रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा। और भाई सब सड़ रही है भंगार की तरह गाड़ियां। भाई रेट बढ़ेंगे नहीं, रेट अब कम होने वाले हैं, घटेंगे, क्योंकि डीलर आ गए कर्जों में और इतना ज्यादा कर्जा चढ़ता जा रहा है। इन्वेंटरी 4-4 महीने से खड़ी है इनके पास जो है। सही बात है। तो भैया अब आ गया सही टाइम, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं होंडा के पास जो है जनवरी फरवरी की मैन्युफैक्चरिंग खड़ी है, बहुत है? सही बात है। स्कोडा के पास पिछले साल की गाड़ियां खड़ी हैं, 2023 की गाड़ियां खड़ी हैं स्कोडा के पास। तो हाँ, तो भैया जितनी पुरानी इन्वेंटरी, यानी कि जितनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग, नोट कर लेना, डायरी लेके पेपर और पेन लेके बैठ जाया करो जब हमारा वीडियो आए। जितनी पुरानी इन्वेंटरी, यानी कि जितनी पुरानी गाड़ी, उतना भारी डिस्काउंट। सबसे पहले तो भैया विन नंबर आपने गाड़ी का लेना, और सबसे पहले आपने उसको डिकोड करना है। आप गूगल पे जाके डिकोड कर सकते हो उसको, कौन से महीने की। वैसे तो अगर आप डीलर से पूछोगे तो वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको सच बता देंगे कि इस महीने की है। लेकिन फॉर अस सिक्योरिटी की, भाई मैं मतलब इन पे ट्रस्ट नहीं है, मैं अपने एक बारी खुद देखूंगा, तो उसके लिए आपको विन नंबर से जो है देखना कि गाड़ी कौन सी महीने की है। डीलरों पे ट्रस्ट मत ही करना। हमने कितने ऐसे केस देखा है जिसमें क्या कहते हैं, डीलर बताते हैं जी अभी अभी की गाड़ी है जी, 20 दिन पुरानी है। जब हम डीकोड करते हैं, जब हम पीडीआई करने जाते हैं, तो पता चलता है जनवरी की गाड़ी है, मार्च की गाड़ी है, अप्रैल की गाड़ी है। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग फरवरी की थी, आपको पता थी बात? इन्होंने बताया था आपको? नहीं, हमें नहीं बताया था, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और टायर इसके जनवरी के, टायर जनवरी के, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो भैया वीडियो में आ गए चले, उससे पहले अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराना चाहते हो और हमसे कराना चाहते हो, तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा। भैया गाड़ी का टेटुआ दबा के, उसके कान मरोड़ के, पूरी ए टू जेड जो है ना हम चेक करते हैं गाड़ी को। दिल्ली एनसीआर में हम खुद भी एक्टिव हैं, ऑल इंडिया में ऑन डिमांड हम चले जाते हैं, और हमारे पास 140 लोगों की टीम है ऑल इंडिया जो डिप्लॉय कर रखी है, जो ऑन डिमांड आपके पीडीआई करती है। हम दिल्ली एनसीआर से बेस्ड हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो आप हमें पूरे इंडिया में, कोई चंडीगढ़ बुला रहा है, कोई लुधियाना बुला रहा है, कोई लखनऊ बुला रहा है, कोई हैदराबाद बुला रहा है, कोई आगरा, कोई जयपुर, ये आप लोगों का प्यार है दोस्तों, जो आपको हम पे इतना ट्रस्ट है, आप हमें इतनी जगह बुला रहे। तो अगर नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी चेकिंग की जिम्मेदारी हम पे सौंपना चाहते हो, तो भैया ये स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। गाड़ी स्क्रैच लेस मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। अपने भाइयों का पैसा हम गलत जगह नहीं लगने देंगे। भैया जिनकी रिजेक्ट भी होती है गाड़ी, तो भैया वो थैंक्स, आंखों से थैंक्स करते हैं भाई, कि भाई उनका पैसा बचा दिया। और मेरे भाइयों ये चीज मत सोच लेना गलती से भी कि भाई हुंडई तो बहुत रिलायबल है, होंडा तो बहुत रिलायबल है, टोयोटा तो बहुत रिलायबल है। भाई कंपनी जरूर रिलायबल होती है, लेकिन सारा जो घोटाला होता है ना वो डीलर एंड पे होता है। बिल्कुल, कंपनी कोई नहीं चाहती है कि भैया मेरी प्रोडक्ट के अंदर जो है गड़बड़ निकले, वो पूरी चेकिंग करके डिस्पैच करते हैं। कंपनियां सारी रिलायबल है, लेकिन ये डीलर एंड पे सारी गड़बड़े होती हैं, जो इतनी दिक्कतें, इतनी गाड़ियां रिजेक्ट होती हैं, उसमें कंपनी से ज्यादा डीलर की गलती होती है। लेकिन भाई फर्स्ट तो कस्टमर रहा है, जो बैटरियां डेड होती हैं, जम्पर केबलें लगाई होती हैं, रीपेंटेड होती हैं गाड़ियां, स्क्रैचेस होते हैं, टायर फूले हुए होते हैं, पुराने मैन्युफैक्चरिंग के टायर लगे होते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत चीजें निकलती हैं यार। तो हाथ जोड़ के विनती है यार, हम आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे, गाड़ी चेक करके लेनी है आपने। और दोस्तों हर सेगमेंट की गाड़ी का बुरा हाल है। कभी आपको लग रहा हो भाई मैं 25 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, 30 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, तो भाई एक बार देख लो जरा हैरियर, सफारी और XUV700 का क्या हाल निकला है। कौन सा महीने की गाड़ी है ये? गाड़ी है मार्च 2024, और इसका टायर कौन से महीने का? 23 का।
23 अप्रैल 2023 का, मतलब साल पुरानी, लगभग 6 महीने पुरानी गाड़ी और 1.5 साल पुराना टायर, लड्डू बना हुआ टायर के अंदर पूरा, ये फूल गया हुआ यहाँ से, वेफ को बना रखा साला। तो ये मत सोचना कि यार मैं तो महंगी गाड़ी ले रहा हूँ अच्छा ही होगा, भाई 5 लाख की हो 50 लाख की हो गड़बड़ किसी भी गाड़ी में हो सकती है। जैसे कल अभी होंडा की गाड़ी हुई है भैया, 3 गाड़ियां एक लाइन में रिजेक्ट हुई है होंडा की। बिल्कुल, लोग कहते हैं होंडा बॉडी रिलायबल है, भाई रिलायबल है लेकिन डीलर रिलायबल नहीं है। ये देख लो जी, ब्रांड न्यू होंडा एलिवेट में इंजन चेकलाइट बनी आ रही है आपके सामने, आइए देख लो इंजन ऑन है। ये देखो भाई, ये गाड़ी बेचनी है इन्होंने, इंजन चेकलाइट आ रही है इसके अंदर अभी से, दिख रही है उधर आ रही है गाड़ी स्टार्ट है। ये देखो इंजन चेकलाइट आई हुई है, खुद बना देना इन्होंने किसी को। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, कौन सी गाड़ियों पे डिस्काउंट मिलेगा, क्या क्राइटेरिया, कौन से मंथ में मिलेगा। बिल्कुल, कौन से मंथ में मिलेगा। तो भैया सबसे पहले तो आपने बिना फोन किए हुए डीलर के पास जाना, बिल्कुल, और अंदर जाके आपने सीधा क्या बोलना, जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। सर आपके पास पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी खड़ी है, कौन कौन से रंग खड़े हैं? अभी मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे आ जाओ सर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। हाँ, ऐसे आपको मतलब अपने आप ही बोल देना, चाहे आपकी बात उनसे ना हुई हो लेकिन आपको जाकर ये बोलना है कि भाई मेरी बात हुई थी, पता नहीं किससे हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कहेंगे सर आपकी किससे बात हुई थी, पता नहीं यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्टॉक अवेलेबल है, आ जाओ। बात हुई है तभी मैं आया हूँ, जब आप ये बोल दोगे कि भैया स्टॉक है आपके पास तभी हम आए हैं, आपने ही तो बुलाया, तो वो स्टॉक चेक करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो कह देंगे सर वेटिंग में है ये गाड़ी। बिल्कुल, और रेट होगा नहीं कम, या रेट कम नहीं, कम करता नहीं है कोई, कराना पड़ता, करवाना पड़ता, खींच के निचोड़ के डिस्काउंट लेना पड़ता है। हाँ, डिस्काउंट लेने पड़ते हैं, फिर वो चेक करेंगे और बताएंगे कि भैया ये इन्वेंटरी खड़ी हुई है हमारे पास, ये वाली इन्वेंटरी मतलब ये वाला माल हमारे पास खड़ा हुआ है ये वाला। हाँ, बिल्कुल। आप कहेंगे ना रंग की चॉइस का, सर मेरे को रंग की क्या चॉइस है, मैंने तो अंदर बैठना है, चॉइस है हमारी रंग की, बताना नहीं है, बताना नहीं है उनको बस। अगर वो सेल्समैन आपसे पूछे कि सर कलर की क्या प्रेफरेंस है, उनको बोलो यार कोई भी ले लूंगा, जो सस्ता दोगे वो ले लूंगा, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं ब्लैक भी ले लूंगा, व्हाइट, ब्लू, नीला, पीला, हरा, टोतिया रंग, मैं कुछ भी ले लूंगा, जो सस्ता दोगे मैं वो ले लूंगा, आपको ये बात बोलनी है, उसके बाद वो आपको बताएगा कि सर एक व्हाइट खड़ा हुआ है, एक ब्लैक खड़ा हुआ है, एक ग्रे खड़ा हुआ है। अगर आप अपनी चॉइस रख दोगे भाई, एक असूल होता है कि अगर आपने बता दिया ना कि मुझे ये वाला चश्मा पसंद है, तो दुकानदार अपने आप उसका रेट बढ़ा देगा। अगर आपने बोला मुझे व्हाइट गाड़ी चाहिए, सर व्हाइट गाड़ी तो अभी है नहीं स्टॉक में, अभी तो मंगवानी पड़ेगी, अभी तो उतरेगी, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ऑर्डर लगाना पड़ेगा उसका। बिल्कुल, रेट बढ़ जाते हैं, धंधे का असूल है, माल पसंद आ गया तो रेट कम नहीं होगा, बिल्कुल रेट ज्यादा ही लगेगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूँ चाहे आप अंदर से तड़प रहे हो कि भाई ये सोनेटा ये मेरी ड्रीम कार है, लेकिन उनको जाके दिखाना नहीं है कि ये मेरी ड्रीम कार है, बहुत ही कैजुअली जाओ। तो मैं तो सेगमेंट में तो 7 गाड़ियां और आ रही हैं। बिल्कुल, उनको ये दिखाओ कि भाई मैं तो घूमते फिरते आ गया तुम्हारे शोरूम में, मैं कोई तड़प नहीं रहा इस गाड़ी के लिए, दोगे ठीक है, नहीं तो मैं वेन्यू ले लूंगा नेक्स्ट टाइम। मतलब उनको ये दिखना चाहिए कि कस्टमर कभी भी बिफर के किसी और भी शोरूम में जा सकता है। भाई वीडियो आज बनाने का मकसद ये है कि माल सड़ रहा स्टॉक यार्ड के अंदर, इन्वेंटरी फंसी पड़ी है, गाड़ियां भाई देख के ना रोना आ रहा है स्टॉक यार्ड में, क्योंकि पीडीआई सर्विस के दौरान हम भैया स्टॉक यार्ड पता नहीं कितनी कंपनियों के जा चुके हैं, तो जिन कंडीशन में गाड़ियां नजर आती है ना भैया, देख के लगता है कि यार ये गाड़ी कभी ये धो के दे देंगे यार लोगों को, कंपनियां चढ़ रही हैं स्टॉक खत्म करने के लिए कि भाई प्लीज हमारी गाड़ी ले लो, और ऐसे में दोस्तों उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, आपको सस्ती गाड़ी मिलेगी, वो अपना माल क्लियर करने के लिए आपको 15-20-50 हजार का एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नुकसान में गाड़ियां बेच देंगे कि हमारा माल खत्म हो। भाई ने बोल दी 1 लाख रुपए की बात कि इस समय डीलर हो चुके हैं मजबूर, क्योंकि अब अगला साल चढ़ने वाला है, 2 महीने रह गए हैं बस, और अगर ये माल अब खड़ा रह गया तो और ज्यादा लाखों के डिस्काउंट देने पड़ेंगे, और अगर थोड़ा सा सवर कर सकते हो तो भैया जनवरी फरवरी की वेट कर लेना, जो माल इनका पिछले साल का है ना वो जनवरी फरवरी यानी पिछले साल का हो गया, उस पे मिलेंगे मोटे मोटे डिस्काउंट, भारी भारी डिस्काउंट, और इस झांसे में बिल्कुल भी मत आ जाना कि भैया रेट बढ़ रहे हैं, रेट नहीं बढ़ रहे, कंपनियां टेबल पे बैठ के मीटिंग्स कर रही हैं कि रेट डाउन करने पड़ेंगे। मैं दोस्तों आपको इसका मैं एक रीजन बताता हूँ, बड़ा छोटा सा सिंपल सा रीजन है, तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिनका फेसलिफ्ट तैयार है लेकिन कंपनियां खबर तक नहीं लगने दे रही मार्केट में, क्यों? क्योंकि उनके करंट वर्जन की इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे होंडा में इसका फेसलिफ्ट दिवाली पे आना था,
लेकिन उनके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ अभी वाली अमेज का कि अगर उन्होंने दो लाख के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, अगर उन्होंने बता दिया कि फेसलिफ्ट आ रहा है तो अभी की गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। बिल्कुल, ब्रीजा का जो फेसलिफ्ट है वो प्लान है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने लगी है उसके अंदर जो है सीएनजी की, लेकिन खुशबू तक नहीं लगने दे रहे हैं भाई साहब, क्योंकि उनको पता अभी वाली सीएनजी का इतना स्टॉक पड़ा, अगर हमने बता दिया बाजार में तो ये तो कोई लेगा ही, कोई नहीं लेगा, लाखों के डिस्काउंट पर बेचने पड़ेंगे भैया। हमें नए मॉडल के चक्कर में नहीं पड़ना, गाड़ी तो वही है, लिपस्टिक पाउडर लगाने से कोई गाड़ी नहीं बदल जाती, सारी गाड़ियां सेम है मेरे भाइयों, क्यों कंपनी के जंजाल में फंस रहे हो भैया। जब शोरूम में जाओ जेब में नोट डाल के जाना या चेकबुक लेके जाना साथ में, या कार्ड साथ में रखना टेबल पर हाथ में पकड़ के, ये गुरु मंत्र है, उनको दिखना चाहिए। अगर उनको आपकी जेब में नोट दिख गए ना तो वो समझ जाएंगे कि ये जो बंदा आ रहा है ये भाई बुकिंग करा के जाएगा, इसके बाद पैसे पड़ेंगे बुकिंग करके जाएगा। देनी नहीं है बुकिंग उनको, लेकिन उनको लगना चाहिए, क्योंकि साले सारे ट्रेंड होते हैं ये, इनको ट्रेनिंग इस तरी चीज की है कि बंदे का वक्रा कैसे बनाना है। अगर कोई 5 लाख का बजट लेके आया उसको 10 लाख पे कैसे पहुंचाना है, 10 लाख का बजट लेके आया तो उसको 15 लाख पे कैसे पहुंचाना है, 20 लाख का बजट लेके आया तो भैया इसको टॉप सेगमेंट की 30 लाख की गाड़ी पे लो। सही बात है, फीचर्स ये है वो है, बंदे को लगता है यार क्या 2000 रुपए का तो फर्क पड़ रहा है किस्त का, मैं ले लेता हूँ। भैया नहीं, पागल नहीं बनना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आपने नोट्स बनाने हैं कि मुझे गाड़ी में ये चीज चाहिए, मैं 5 सीटर लेना चाहता हूँ, मैं 7 सीटर लेना चाहता हूँ, मुझे ये वाला फीचर चाहिए, मुझे ये चाहिए, ज्यादा अडास फडास के चक्कर में पैसे मत बर्बाद कर देना भाई अपने। मेरे भाइयों सिंपल सा फंडा है, जो सेल्समैन होता है ना उसको गाड़ी बेचने से कोई लेना देना नहीं है, वो डीलर का प्रॉफिट है, सेल्समैन को फायदा मिलता है बुकिंग लेने में, चाहे बाद में आप कैंसिल करा दो डीलर का नुकसान है, लेकिन सेल्समैन के वो हो जाएगा खाते में कि हाँ यार इस सेल्समैन ने 15 बुकिंग दिखाई है, खाता चल पड़ा आपकी बुकिंग, इसने 20 बुकिंग दिखाई है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी भी गाड़ी के शोरूम में जाओ, जो सेल्समैन आपको मतलब आपसे बात बात करता है टेबल पे बैठ के, आओ सर बैठो ना कॉफी लोगे, तो जब वो टेबल पे बैठता है, जब आप टेबल पे बैठोगे तो आपको क्या करना है, जेब से ना चेकबुक निकाल के सामने रख देनी ऐसे करके, ताकि डीलर के मन में भाई बेचैनी जाग जाए कि भाई साहब ये तो साला चेकबुक लाया, ये तो बुकिंग करा सकता है। तो ये मैंने कहा ये चेक ले लो पूरा का पूरा, वो देख के हैरान हो गया, लेके क्या था चेकबुक, भूखे के आगे रोटी रख दी और खाने भी नहीं दी, बस तो उनको तड़पा देना है, वो भाई आपको आउट ऑफ द वे जाके डिस्काउंट देगा। और दूसरी चीज, जितना बड़ा डीलर उतना बड़ा कंगला होता है भाई, उतना ज्यादा कंगला, जितना जितनी बड़ी डीलरशिप जितनी पुरानी डीलरशिप उतना ज्यादा भारी कर्जे में, उतना ज्यादा भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा, उतना ज्यादा वो कर्जे में होता है उतनी ज्यादा उसके पास गाड़ियां स्टॉक में खड़ी होती है, यानी कि कर्जे में डूबा हुआ वो। भाई कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा डीलर उतना बड़ा कंगला। दोस्तों उसका कारण क्या है कि जितना बड़ा डीलर होएगा, जितना बड़ा शोरूम होएगा, उतनी ज्यादा बड़ी उनकी जो है स्टॉक यार्ड होएगा, उतना ज्यादा उन्होंने माल खरीद के रखा होगा, क्योंकि बड़ी डीलरशिप है भाई, माल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा। अब जब माल ज्यादा खरीद लिया तो भाई माल बिकेगा ही नहीं, माल खड़ा हुआ सड़ रहा है, तो वो सड़ते हुए माल को बेचने के लिए वो ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे आपको। छोटा डीलर अगर 50 का डिस्काउंट देगा तो बड़ा डीलर आपको 1,00,000 रुपए 80,000 के डिस्काउंट पे भी बेच देगा कि भाई मेरा माल खत्म हो। जनवरी फरवरी के अंदर, मार्च आने से पहले पहले भाई इनको माल अपना क्लियर करना है, नहीं तो 2024-25 चढ़ गया तो आप ये समझो कि लॉटरी लगने वाली है। मतलब जितना इन्वेंटरी फंसी जा रही है गाड़ियों, जितनी स्टॉक यार्ड में सड़ती जा रही है, उतना हम लोगों का आपस में हम भाइयों का बेनिफिट होता जा रहा है कि रेट अब टूटेगा गाड़ियों का। भैया लाखों रुपए के डिस्काउंट मिलते हैं, हमारे वीडियोज ने पूरी मार्केट बदल दी है। इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट है कि 40% लोग इस समय डीलर से इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनियों से ले रहे हैं, उसमें परसेंटेज थर्ड पार्टी की परसेंटेज खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को अकल आ चुकी है। दोस्तों अब ये मत सोचना कि भाई सिर्फ टॉप सेलिंग गाड़ियों पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने सितंबर के अंदर जनवरी 2024 की क्रेटा की पीडीआई करी है, पता नहीं कितनी। हाँ अभी पिछले हफ्ते एक्सयूवी जनवरी फरवरी एक्सयूवी 700 की हमने पीडीआई करी थी, वो वेरिएंट था 2024 अप्रैल की वो गाड़ी थी, एंड उसके जो टायर थे वो 2023 मार्च के टायर थे। अगर सोच के देखो 1.5 साल पुराना टायर, गांठे बनी हुई थी टायर में, वैसे लड्डू नहीं बन जाते, मतलब उस टायर की ये कंडीशन थी उस गाड़ी की कि वो हाईवे पे अगर 120-140 चल गई तो वो टायर फट जाएगा कभी भी उसका काम। भैया कहने का मतलब ये है कि पीडीआई जरूर करा लेना गाड़ी की, बिना नई गाड़ी ले रहे हो भैया, एक पीस ऑफ माइंड के लिए बंदा लेता है, तो किसके पास इतना टाइम है कि सर्विस सेंटर में जाके बैठा रहेगा, धक्के खाएगा, बिना गाड़ी के बैठा रहेगा। हमारे बहुत से भाइयों के पास एक ही गाड़ी होती है यार, इंडिया के अंदर हर जगह एक ही गाड़ी रखता है बंदा, और अगर वो गाड़ी अगर उसका काम धंधा उसी से चल रहा है गाड़ी से, और गाड़ी में दिक्कत आ गई सर्विस सेंटर चली गई, तो गाड़ी चेक करके लो यार, बाद में सर्विस सेंटर ना जाना पड़े। छोटी मोटी कोई दिक्कत है उसके ब्याह पे और भी नेगोशिएशन किया जा सकता, अगर जैसे गाड़ी की डिस्क खराब है भैया बदली जाएगी, अगर आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा तो, बैटरी खराब है
पुरानी है गाड़ी, मतलब पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है तो बैटरी नहीं लग जाएगी। लेकिन अगर मोटा डिस्काउंट मिल रहा, अगर आपको डिस्काउंट भी नहीं मिला और गाड़ी भी पुरानी दे रहा डीलर, फिर तो भैया आप ना बकरा बन गए हो फिर तो आप। आपको अगर पता है कि ये गाड़ी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है और आप अपनी मर्जी से ले रहे हो कि आपको डिस्काउंट मिल रहा, तो बात अलग है। भाई कहने का मतलब ये है कि बकरा बनना नहीं है, बकरा बना देना है इनको, हलाल कर देना, वो भी रोगन जोश लाल। हाँ तो भैया गाड़ी अब लेनी है तो या तो भैया देखो डीलर देंगे दिसंबर में आपको डिस्काउंट अपने मर्जी से कि भैया स्टॉक खत्म करना, स्टॉक खत्म करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सबर कर लोगे और गाड़ी की अगर जनवरी फरवरी मार्च तक आप वेट कर लोगे, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो आप समझ लो कि क्या होने वाला, समझो कि किस किस गाड़ियों के सबसे ज्यादा रेट टूटने वाले हैं। स्कोडा की काइलैक आते ही टाइगुन कुशाक वटी सलाविया के रेट और ज्यादा गिर जाएंगे। खेल खत्म हो गया, खेल खत्म भाई, खेल खत्म खत्म हो गया भाई साहब मेरा तो सब कुछ, क्योंकि 8 लाख से काइलैक शुरू हो जाएगी, 8-8.5 लाख से। तो भैया अगर वो 9 लाख की बिकेगी तो कांप पे इनकी 12-12.5 लाख की कुशाक बिक सकती है बेस मॉडल के अंदर, तो और नीचे आने पड़ेंगे रेट, और इन्वेंटरी इनकी अभी तक नहीं बिकी है। बिल्कुल सही, स्कोडा VW की ब्रीजा और डाउन जाएगी बिल्कुल। हाँ, वेन्यू का भी फेसलिफ्ट प्लान है बिल्कुल सही, ये भी बहुत डाउन जाएगी। होंडा की तो गाड़ी वैसे ही नहीं बिक रही है भाई, इनके पास तो जनवरी तक का माल खड़ा हुआ। होंडा का तो बहुत बहुत बुरा हाल है। स्कोडा की तो अभी हमने दोस्तों ये मेरे ख्याल अगस्त की बात है, इसी साल 2024 अगस्त में हम लखनऊ गए थे कुशाक की PDI करने, 2023 की 2023 जनवरी की गाड़ी थी वो, मतलब कैन यू इमेजिन, 1.5 साल से भी ज्यादा पुरानी, 2023 जनवरी की मैन्युफैक्चरिंग, हमने 2024 अगस्त में PDI करी है लखनऊ में जाकर, बताओ। तो बहुत बुरा हाल है, खड़ा हुआ बहुत। अगर बहुत मोटे डिस्काउंट चाहिए तो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग पर मिलता मोटा डिस्काउंट, लेकिन आपको डीलर के पेट से निकलवानी पड़ेगी कि भाई इन्वेंटरी पुरानी खड़ी है या नहीं खड़ी है आपके पास। और खासकर अगर आप पुरानी मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हो तो टाटा की गाड़ियों की अगर हम स्पेशली बात करें, भाई साहब सबसे बुरा हाल है टाटा की गाड़ियों का, हर दूसरी गाड़ी रिजेक्ट है टाटा की, बहुत बुरा भाई। 28-28, 29-29 लाख की गाड़ियां, बैटरियां डेड, टायर फटे हुए है, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है यार। बहुत सारी चीजें होती हैं गाड़ी पे लेना अगर डिस्काउंट, तो हमारे डिस्काउंट वाले बहुत सारे वीडियोस हैं कि अलग अलग डीलर्स के पास जाके आप कैसे डील बना सकते हो। बिल्कुल, हमने लाइव भी एक वीडियो बनाया था जो आप भाइयों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। मैंने ईयर एंड में बहुत सारे लालच देती है डीलरशिप जो होती है, कार कंपनियां जो होती है, तो इनके झांसे में मत फंस जाना कि मैं दिसंबर में ले लूं। सारी कंपनियां पागल भाई साहब, एक से एक लुटेरा बैठा डीलर, ये करी काम धंधा रहे हैं सिर्फ जो है, और हमारे लोगों का इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। इन सेल्समैनों का कुछ नहीं जाना भाई, आपका सब कुछ चले जाना है। वो आपको गाड़ी बेच रहा आज किया में है, तो अगले दिन वो हुंडई में चला जाएगा, परसों वो होंडा में होगा। इन लोगों की नौकरियां बदलती रहती हैं। सही बात, ये कि ये डराते बहुत हैं, शेयर अगर आपने ये बाहर से करवाया तो आपकी वारंटी वर्ड हो जाएगी। भाई साहब कई हजारों करोड़ों का धंधा आफ्टर मार्केट का चल रहा है। सही बात है उन यार, आप मुझे एक चीज बता दो, अगर आपने एक डीलरशिप पे कार डीलर से अगर आपने काम करवाया जहां से आपने गाड़ी ली है, वो भी तो आफ्टर मार्केट ही काम हुआ, वो कौन सा कंपनी ने करके दिया। सही बात है, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग बाहर बैठे हैं जो काम करते हैं। कोई वारंटी वॉइड नहीं होती अगर आप जबरदस्ती की छेड़ाखानी नहीं कराओगे। 5-5 हजार रुपए की स्क्रीनें बाजार में मिलती हैं, उनके हमारे भाइयों से 23-23 हजार रुपए ठगे जा रहे हैं डीलर एंड पे। तो भैया उनसे लेने से बेटर है वो स्क्रीन बाजार से लगवा लो, फायदा क्या उस चीज का। हार्डकोर मनी अपनी भाई गाड़ी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करना, क्योंकि भैया बाकी चीजों पे मिलते हैं कई 100 रुपए के डिस्काउंट, हजारों के डिस्काउंट, लेकिन गाड़ियों पे मिलते हैं लाखों के डिस्काउंट। दोस्तों अपना पैसा बहुत कीमती है भाई, इसे बहुत ही सोच समझ के खर्च करना, किसी के चक्कर में पागल मत बन जाना, सेल्समैन की बातों में बहक मत जाना। और अगर जल्दी नहीं है तो दिसंबर को छोड़ दो, फरवरी मार्च के अंदर गाड़ी उठाना, फिर देखना कितना डिस्काउंट मिलता है। भाइयों की बात याद याद रखना, 2024 वाली गाड़ी अगर आप 25 में खरीदोगे तो भैया लाखों का और ज्यादा मुनाफा मिलेगा आपको। बारिश होगी भाई, डिस्काउंट मिलेंगे लाखों के। मार्केट ना चेंज हो चुकी है इन वीडियोस से, आज की डेट में कस्टमर इतना अवेयर हो चुका है दक्ष कि ना आज कोई चक्की है बगैर गाड़ी उठाने के लिए तैयार है, चाहे बंदा ना कोई चाहे बंदा हमसे PDI करवाए, चाहे वो खुद PDI करे, लेकिन बिना PDI के कोई गाड़ी लेने को आज की डेट पे राजी ही नहीं है। कस्टमर कहता है भाई मुझे लेनी नहीं है, फिर रख लो। लेकिन भाई अगर आप हम लोगों को बुलाना चाहें, यानी हम दोनों को PDI के लिए बुलाना चाहें, या हमारी टीम से PDI कराना चाहें, तो ये नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है,
गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या पुरानी है, उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड ना आपके हाथ में रख दी जाएगी कि लेनी है या नहीं लेनी है। पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना, पूरी पेमेंट नहीं देनी है पीडीआई से पहले जो है। ये तो है, ये सबसे ज्यादा मस्ट हैव चीज है, क्योंकि हम हजारों गाड़ियां अपने हाथों से चेक कर चुके हैं भाई, इतना तजुर्बा है कि दूर से देख के बता देते हैं कि गाड़ी पेंटेड है या नहीं है। बिल्कुल, एक्सीलेटर और इंजन पे भैया, एक्सीलेटर पे पैर रख के ही पता चल जाता है कि वाइब्रेशंस क्या है। लाखों किलोमीटर का तो तजुर्बा है भैया, 5-5.5 लाख किलोमीटर तो मैंने गाड़ियां चलाई हुई हैं, और कितनी सेगमेंट की गाड़ी, लाखों किलोमीटर गाड़ियां चलाने का तजुर्बा है और हर इंजन का तजुर्बा है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। एंड अब जब मेरा कोई भाई शोरूम में जाएगा तो भाई वो पागल बन के नहीं आएगा, वो अपना पूरा पैसे की वैल्यू लेकर बढ़िया डील बनवाकर गाड़ी लेकर आएगा। अगर साला अगर कोई सेल्समैन आपको बोले कि सर इसके अंदर ये नहीं इसके अंदर ये है, क्या भाई तू मुझे मत समझा, हर बात काट देना डीलर की, हर बात काट देना सेल्समैन की, भाई साहब इतना लेवल नहीं होता इनका। लाखों रुपए की चीज बेचना, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, और हमें लाखों रुपए खरीदने चीज, लाखों रुपए की चीज खरीदने की ट्रेनिंग कहीं से नहीं मिली है। कमाया है हमने अपने हाथों से पैसा, वो पैसा भाई बर्बाद नहीं कर सकते हम इन लोगों के चक्कर में, गंद माल भी बेच देते हैं बहुत बारी। बिल्कुल दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। डिस्काउंट मिलेगा उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ियों पे। इसको डिक्की खोल दी तूने? अरे भाई कोठी हमें क्या पता बंद हो गई डिक्की, डिक्की बाहर जाके बंद करनी पड़ेगी, सुबह भी यही हुआ था, मैंने सनरूफ खोलने के चक्कर में दबाया तो साली अब हो गई बंद।